हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ ये होगा आपका VLCC का नेचुरल साइंस हनी मॉइस्चराइजर। बात कर लूँगी गाइस कि ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली कैसे लगा और मैं अपने वीडियोज़ में इसको रिकमेंड करूँगी कि नहीं। तो जानने के लिए गाइस ये वीडियो को जो है पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मैं आज VLCC का नेचुरल साइंस हनी मॉइस्चराइजर का जो है रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है आपका नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वेटेबल मॉइस्चराइजर। बात कर लूँगी गाइज इसकी इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स आई विल मेक श्योर कि मैं अपने वीडियो में इसको दे दूँ ताकि आप पढ़ के जान सकते हैं कि विच ऑल द इंग्रेडिएंट्स दे हैव यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेथड टू यूज़। सो इफ़ यू कैन सी गाइज, आफ्टर क्लीनिंग योर फेस जस्ट अप्लाई इट। आपको जितना स्वेटेबल लगती है कि हाँ मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए अपने फेस और नेक को कवर करने के लिए, उतना क्वांटिटी आप अपने पाम पे लीजिए और फिर उसको जो है डायरेक्टली अप्लाई कीजिए अपने फेस और नेक पे। सो फॉर बेटर रिजल्ट जो है आप डेली ट्वाइस दो टाइम जो है अपने स्किन को क्लीनिंग करने के बाद इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कीजिए। सो बात कर लूँगी गाइज अब इसकी MRP की। तो ये प्रोडक्ट का जो MRP है ये 260 रुपीज़ है। इसकी जो मैन्युफैक्चर्ड हुई है ये हुई आपकी मार्च 2020 और इसकी जो एक्सपायरी है ये है मार्च 2023। नेट वेट की बात कर लेती हूँ गाइज, तो ये प्रोडक्ट का नेट वेट है आपका 100 ग्राम। सो बेसिकली गाइज ये हनी मॉइस्चराइजर है, तो द मेन इन्ग्रीडियंट्स दैट दे हैव यूज इन दिस मॉइस्चराइजर इज हनी। डेफिनेटली हनी, ग्लिसरिन, ये सारी चीज़ें जो है ये विंटर्स में या फिर ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रेमेडी मानी जाती है। अब मैं बात कर लूँगी गाइज कि हाउ वी यूज टू गेट दिस मॉइस्चराइजर। तो इसका जो इनसाइड का जो कंटेनर रहेगा गाइज, डेफिनेटली आपको ऐसे कंटेनर में ये प्रोडक्ट जो है मिलेगा। सो इट इज़ स्किन डिफेंस एंड एज वेल एज इट इज़ अ सेइंग दैट हनी मॉइस्चराइजर जो है, हनी का यूज़ जो है इस मॉइस्चराइजर में किया गया है। सो ईच एंड एवरी थिंग दे हैव मैंशनड हियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। नाउ आई विल ओपन इट्स कैप एंड आई विल शो यू इट्स कलर एज वेल एज द फ्रीग्रेंस। एंड ऑल्सो गाइज इसको आप फील हो रहा होगा आपको कि ये वाइटिन कलर है, बट डेफिनेटली वाइटिन कलर नहीं है ये। ये है आपका लाइट पिंक या फिर आप पिंच कलर में भी ले सकते हैं। और ये मॉइस्चराइजर गाइज है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी स्वेटेबल है। वंस यू आर अप्लाइड इन विंटर सीजन्स में ऑयली स्किन वाले भी जो है इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। बट विंटर सीजन में गाइज डेफिनेटली ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई स्किन वालों को आई विल से कि आप ऑल थ्रू 12 मंथ्स जो है इस मॉइस्चराइजर को आप अपने फेस पे, नेक पे जो है अप्लाई कर सकते हो। सो ये मॉइस्चराइजर गाइज मैं विंटर्स में यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ अ सो लॉन्ग टाइम कि मैं इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर रही हूँ एंड आई नेवर फेस्ड कि ये मॉइस्चराइजर मुझे सही नहीं लगा। तो ये मॉइस्चराइजर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। इवन दो इफ़ आई एम अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइजर काफ़ी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है काफ़ी जल्दी आपके फेस पे और नेक पे, मतलब जो एरियाज़ में आप इसको यूज़ कर रहे हो वहाँ पे काफ़ी जल्दी जो है एब्जॉर्ब्ड होता है। और साथ ही इसका जो मॉइस्चराइजर का जो मॉइस्चराइजिंग है वो आपका 8 आवर्स तक जो है डेफिनेटली रहता है, 6 to 8 आवर्स रहता है। ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं गाइस, मैं इसको डेफिनेटली अभी यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको ट्वाइस जो है दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने के आने के बाद एंड सेकेंडली मैं सोने से पहले जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ एंड देन आई यूज़ टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ नाइट क्रीम अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो, और डेफिनेटली नहीं तो अगर नहीं यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के ही जो है नाइट में सोती हूँ। तो ये मॉइस्चराइजर गाइज अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस मॉइस्चराइजर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, एज वेल एज ये मॉइस्चराइजर मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वाली जो फील होती है वो करवा रही है डेफिनेटली। सो इसको अगर मैं मुझे 5 में से रेटिंग देना पड़े तो डेफिनेटली गाइज इट वुड बी एग्जैक्टली 5 रेटिंग फ्रॉम माई साइड। ये मॉइस्चराइजर काफ़ी बेहतरीन है, मेरी ड्राई स्किन है एंड इट इज़ द विंटर सीजन और इफ आई एम लाइकिंग दिस मॉइस्चराइजर आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि गाइज आप इसको ज़रूर से एक बार परचेज कीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइज, आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और साथ ही मुझे बताते रहिए कि
आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और साथ ही अगर आप अभी भी यूज़ कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, सो दैट जितने भी फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को देखते हैं, दे विल कम टू नो कि वेदर दे जेन्युइनली नीड टू परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून गाइज विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू. टिल देन बाय गाइज.